खबर राजधानी देहरादून से है, जहां एसटीएफ ने 20 साल से वांछित चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि आरोपी 2004 में हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में इलाहाबाद बैंक को लूटकर फरार हो गया था, जिसके बाद अब एसटीएफ ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया है। इस पर एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपी उदय को तमिलनाडु के विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया गया है। उसके गैंग लीडर टीपू की 2005 में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी तमिलनाडु में सड़क किनारे कपड़े बेचता था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इलाहाबाद बैंक में एक डकैती हुई थी जो कि 5 लोगों ने करी थी। उसमें एक अभियुक्त जो अभी तक वांछित चल रहा था लगभग 20 साल से और उस पर 1 लाख का इनाम था, उदय पुत्र विक्रांत, इसको विशाखापट्टनम तमिलनाडु से एसटीएफ उत्तराखंड ने अरेस्ट किया है। और इसके जो बाकी गैंग मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अकाउंट पर हो गए थे। उसमें जो गैंग लीडर था टीपू यादव, वो पहले अरेस्ट हो गया था और बाद में पुलिस जब उसको लेके जा रही थी ट्रेन में तो पुलिस वालों को उसमें सब कुछ जहरीला पदार्थ दिया था और भागा था। तो उसके बाद फिर उसका पुलिस इनकाउंटर हुआ था, उसमें उसकी मृत्यु हुई थी और बाकी एक गैंग मेंबर ये बचा था। उसके इनकाउंटर के बाद ये तमिलनाडु चला गया और वहाँ पे सड़क किनारे ये कपड़े बेचने का काम कर रहा था और इसको अरेस्ट कर लिया गया है।